हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग। हमारे मेहमान यहाँ आ चुके हैं और पता नहीं क्या होगा, हमने चार चार आरजेस को एक साथ बिठा दिए, कभी कभी एक नहीं बर्दाश्त होते हैं जी, हम कह रहे हैं गाना लगा दो गाना लगा दो। अब चार जब एक साथ बोलेंगे तो क्या होगा, मैं ज़रा इलेबरेट इनकी इंट्रोडक्शन कराऊंगी। माशाल्लाह आरजे होने के साथ साथ ये लोग वैसे भी अपनी फील्ड्स में बहुत अकम्पलिश्ड हैं। सबसे पहले हमारे साथ होस्ट, एंकर ऑन डिफरेंट रेडियो एंड टीवी चैनल्स, मल्टी टैलेंटेड, इनके दो सॉन्ग्स भी आ चुके हैं, रिसेंटली अभी हमारे शो में आए थे और बहुत मज़ा आया था, बड़ी गपशप हुई थी। हमारे साथ हैं आरजे भट्टी। देखिए मैंने कितने आपके जो है ना अच्छा इस्तकबाल किया और पीछे म्यूजिक कैसा बजा, इन्हें पैसे नहीं दिए आपने आने से पहले? सुंदर मैं ना कोई बंदा गाल ना करे, पूछो क्यों। अच्छा चलो मैं आगे इंट्रोडक्शन दिन आलम है। मेरे साथ जनाना साथ है, मेरे से कोई बदतमीजी भी नहीं। इनको 14 years of radio हो चुके हैं, तो जबरदस्त भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर, जीती रहे, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एटीवी, स्पेशली जैगम रेहान, बहुत बहुत शुक्रिया। बस ना वो कह रहा था शॉर्ट शॉर्ट बात करनी है, इनको मौका देना, अभी वो पीछे आ गया है, मुझे समझा के भेजा है। नहीं प्लीज देखिए, आपको मेरी आवाज से पता चल रहा होगा आप लोगों ने बहुत ज्यादा बात करनी है, आज वजह से सिर्फ आप बात करें। अगली हमारी जो गेस्ट है उनको मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ। रेडियो ब्रॉडकास्टर सिंस लास्ट 10 years, बहुत सारे रेडियो चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं, प्रोफेशनली ये जो एक मार्केटर है, मार्केटिंग ब्रांड्स के साथ ही काम कर रही है, इस वक्त भी ये एक मैनेजर मार्केटिंग है, ब्रांड का नाम मैं बिल्कुल भी नहीं लूंगी जब तक वो हमें पैसे नहीं देते। निगत कुरैशी हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच सुंदस, एंड इट्स लवली टू बी हियर, बिकॉज यूजुअली इस तरह के शोज नहीं हुआ करते, एंड इट्स द फर्स्ट टाइम यू हैव रेंज सच अ नाइस शो विद द रेडियो ब्रॉडकास्टर्स। बिल्कुल, हम वो चेहरे भी देखना चाहते हैं ना जो आवाजों के पीछे चेहरे हैं। ऐसे ही है और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और बड़े हसीन चेहरे हैं, मैं आपको मुझे तो दो दफा शौक मिल चुका है, मेरे को 3-4 साल बताना नहीं चाहिए, देखो ऐसी बातें नहीं बताते सुनते, सबका एक्सपीरियंस हो गया, अभी भी बात बता देते, लेकिन कभी कभी बड़ा शौक मिलता है, बहुत दफा ऐसा शौक मिलता है, और बहुत सारे लोग जो है इमेजिनरी एक वर्ल्ड में होते हैं, और जब वहां से निकलते हैं ना तो उसके बाद बस वो यू नो इधर से शॉप में चले जाते हैं ना। अच्छी, अगली हमारी मेहमान है रेडियो एंड टीवी होस्ट, रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी के लिए इन्होंने 5 साल जो है काम किया है, वॉइस आर्टिस्ट भी हैं, ये बड़े मजे की बात लगती है मुझे, मॉडल भी हैं, क्लोथिंग ब्रांड के लिए मॉडलिंग भी कर रही हैं, और ड्रामा आर्टिस्ट है रेडियो पाकिस्तान के लिए, रिबेका अब्दुल। वालेकुम अस्सलाम सुंदस, थैंक यू सो मच एंड एटीवी, एंड हम लोग जब अभी प्रोग्राम के स्टार्ट होने से पहले ऑफर भी थे, सो हम लोग यही बातें कर रहे थे, तो रेहान आके कहते थे बिल्कुल यही चाहिए, और जहाँ पर आरजे से इकट्ठे हो जाएं तो वहाँ पर हमें, हम फील नहीं कर सकते कि कहीं खामोशी होगी बिल्कुल, एक घर में भी यही सुनने को मिलता है, कोई बात कर ले तो वो कहते बस खामोश हो जाएं, ये आपका एफएम नहीं है। अच्छा, so, इतनी आदत हो जाती है, इतनी आदत हो जाती है, आई थिंक वो हम लोग एफएम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वी यूज्ड टू कि हम शायद बचपन से बात करने का शौक होता है। पूछना चाहूंगी ना अभी आगे सबसे पूछूंगी, अलग अलग कि ये ऑडिशन कैसे होते हैं आरजे के, क्या देखते हैं? मैं सारा सच दस दियांगा। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी, हमारी यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर मेहमान है, पहले हमारे पास बहुत आती थी, उनसे हमें बड़ा गिला है, अभी हमारे पास आती नहीं इनसे ये सारी वजूहत भी, जो ना मैं पूछूंगी, फैशन डिजाइनर भी हैं, इनका अपना ब्रांड है, ब्यूटिशियन भी हैं, बहुत अच्छा है मेकअप करती हैं, और बहुत ही एंटरटेनिंग और टैलेंटेड रेडियो जॉकी भी हैं, ज़रताशा इनाम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, पहले तो आप लोगों ने हम सबको इन्वाइट किया, और हमारे लिए सबसे शॉकिंग जो बात थी वो ये थी कि ये सेट, फ्रेंकली स्पीकिंग, इतना प्यारा सेट, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बस सोफाज होंगे यहाँ, सुंदस बैठी होंगी, और हमने बात कर ली, मेरी टीम पूरे पूरे पैसों वाला, यू नो एनर्जी आ गई है इस सेट पे आके, ये सुंदस की तरक्की हो गई है, वो देर से व्हीलचेयर पे, दूसरी चेयर पे, अच्छा माफ करें, कैसे किधर, मेरे पास कुछ दिया नहीं जो मैं सारी चीजों को तारे लगे,
गिला नहीं हुआ सब कुछ मेरे पास से आपको? नहीं वो तो है, ये कल मैंने बात की है प्रोड्यूसर साहब से कि ये मेरे आगे कल ये सारा कंसोल चीजें नहीं हमारा, हमारी प्रॉपर्टी है। मैं बहुत अच्छा इसको प्ले कर सकती हूँ। सुंदस एकदम खोखर हो गई, तुम कब्जे कर रही। मैं जैगम साहब से दोस्ती कर लूँ वापस, क्योंकि मैं इसको फिर बहुत अच्छा प्ले कर सकूंगी ना, क्योंकि कंट्रोल जो है वो जैगम साहब के हाथ में। सिखाएंगे आप? सिखाएंगे एक एक हफ्ते में आपको हम सिखा देंगे, ठीक है? उसके बाद आपको एक सस्ते रेडियो पे लगवा देंगे। आजकल कोई रेडियो सस्ता नहीं, आजकल कोई रेडियो सस्ता नहीं, बताएं पैसे अच्छे मिलते हैं। ऑडिशन में क्या होता है मुझे बताएं ना, आप सबके ऑडिशन को अब थोड़ा हो गया, जब गए थे कितने लोग थे, क्या देख रहे होते हैं ऑडिशन में? मैं अपनी अगर बात करूं तो मेरा ऑडिशन ये था कि उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने डायरेक्ट ही मुझे जो है वो पैनल पे बिठा दिया और उन्होंने कहा अब आप ऑन एयर जाएं। एग्जैक्टली पैनल पे ऑन एयर जाएं। छोटी सी चिड़ी सी यानी करके बात होना। और तो हो गया वहां से? हाँ अल्लाह का शुक्र अच्छा गया। थोड़ी बहुत ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आती हैं वो तो टाइम के साथ ठीक होती हैं, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र अच्छा चला गया था। मज़ा, हाँ बड़ा मज़ा। अच्छा हम लोग आज जो हमारी टीम है वो मॉर्निंग ड्राइव है, और वो भी मतलब हफ्ते के सबसे ऐसे दिन की जिससे सबको नफरत होती है। मंडे मतलब आप कितने एक तो मंडे मंडे पसंद है वो उन लोगों के लिए जो काम पे जाते हैं सुबह सुबह, ये बात संडे तो सबको पसंद है, संडे तो सबको पसंद है, लेकिन मंडे को सुबह सुबह एक सवाल जो मुझसे बहुत ज्यादा लोग करते हैं ना, वो ये कि सुबह सुबह तुम आ जाती हो कैसे, इतनी ज्यादा बातें कर लेती हो जो मर्जी, तो ये सवाल मैं आज आपसे करना चाहती हूँ, सच बताएं कैसा लगता है सुबह सुबह? ये डिपेंड करता है कि अब जिस तरह मेरा प्रोग्राम होता है तो मैं हमेशा बड़ी एनर्जेटिक होती हूँ मंडे को, कि मुझे होता है कि मुझे ऑन एयर जाना है, मेरे लिस्टर्स मेरे इंतजार कर रहे होंगे, और अगर कभी क्योंकि निजी किसी मसरूफियत की वजह से प्रोग्राम नहीं कर पाते तो फिर लिस्टर्स आपको जो है मैसेजेस करते हैं और कि आप आज क्यों नहीं आए, तो वो जो एक आपकी एसोसिएशन होती है आपके आपके लिस्नर से वो बहुत ज़रूरी है, वही आपको मुझे लगता है एनर्जी देती है। और अगर वो अच्छा हो आज जो गुफ्तगू हो रही है ना इधर, झूठ हो रही है सारी, 20-25 मिनट बाद एक खबर चलेगी कि लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए बाहर भाग गए। कोई नहीं मंडे संडे को कुछ नहीं होता, सारों ने काम करने होते हैं। तो वही कह रहे हैं डांट तू रे, नहीं मुझे नहीं, मैं तो मानूंगी मुझे तो नहीं करना होता, मैं कहती हूँ काश हफ्ता ट्यूसडे से स्टार्ट होता है ना, मंडे में सेम ही आप 10 बजे आके थोड़ी सी गप लगा के ऑफिस में चले जाते हैं ना, सुबह सुबह आना काम करना और फिर चहचकाना। और अच्छा आवाज का मैं पूछूं, मेरा तो चले चेहरे से भी गुजारा हो जाता है, कुछ मेहमानों को मैं बुलवा लेती हूँ, जब आपकी आवाज समझते आगे है, जब किसी को आवाज सिर्फ आवाज आ रही हो और ऐसी आवाज आ रही हो, ऐसा कभी होता है तो क्या होता है? सुंदर ये तो फायदा है अच्छा ब्रॉडकास्टर है ना, उनको ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि फेस नहीं है, कोई आपका कॉस्ट्यूम काउंट नहीं कर रहा, गला काउंट कर रहा है, वो भी अगर ना भी सही हो तो उसमें एक बहुत बड़ा फायदा होता है, आपके साथ पास एक फेडर होता है जिसमें आप म्यूजिक प्ले करते रहते हैं, आपसे नहीं बात हो रही कॉल ले लेंगे, मैसेज पढ़ लेंगे, गाने लगा देंगे, साथ कावा रख लेंगे, जो बात करते हुए पीते रहेंगे। आसान आसान नौकरी आसान नहीं है, आसान मैं बताता हूँ कैसे आसान है। एक तो क्या पार्ट ही जो सबसे दूसरा मुश्किल पार्ट है ना, वो टीवी से ज्यादा मुश्किल है कि आपने अपनी आवाज के एक्सप्रेशंस के साथ लोगों को एंगेज करना है, सो व्हिच इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। बिल्कुल टेलीविजन में तो आप अपनी बॉडी जेस्चर से भी लोगों को कहीं ना कहीं, जैसे आप कह रहे थे ना मैं तो शक्ल से फायदा उठा लेते हैं लोग, ये हो जाता है, लेकिन रेडियो में आपकी आवाज प्यारी और साथ आपके पास एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन बिल्कुल, अगर आप उसी एटमॉस्फेयर से मुतल्लिक कोई बात करें तो आपके एक्सप्रेशन, अब ऐसा नहीं कि आप बात दुख की करेंगे 3 बंदे मरे बहुत मजा आया, ऐसे तो नहीं हो सकता, तो आपने एक्सप्रेशन नहीं होते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप लोगों को एंगेज करें। और फिर पूरे पाकिस्तान में कोई ड्राइव कर रहा है, कोई घर में सुन रहा है, कोई अपने ऑफिस में है, कोई शॉप पे बैठा हुआ है, तो इस तरह बड़ा मुश्किल होता है इन सबको गैदर करना। कोई आप लोगों के भी ऑब्वियसली बॉस तो होते होंगे जो आपका प्रोग्राम सुनते होंगे, मॉनिटर करते होंगे, एक नहीं दो दो होते हैं ना, तो कोई कोई बीच में इस तरह मतलब, एक हमारे रेडियो जॉकी हैं, ये खातून पे भी अप्लाई हो सकता है, मर्द पे भी, ठीक है मैं बता नहीं रही, वो हर बात के बाद आ करते हैं, हर बात के बाद या अल्लाह, उनका मैं शो सुनती हूँ और मेरा दिल बंद होना शुरू हो जाता है, फिर हम ये और वो तो कोई सुनता नहीं, उन्हें कहता नहीं, ये तो मतलब एक बड़ा बेसिक फ्लॉ है कि आपने गुफ्तगू में आ नहीं, सरकारी नीम सरकारी प्राइवेट चैनल
ये तो बता सकते आपको है? आपको पता चल गया कौन है? मैं कह रहा हूँ तो मेरे से क्यों गलवा रहे हैं, पता चल गया तो ये मतलब नहीं, प्राइवेट चैनल्स में अब तो बड़ी ज्यादा सकती है, ऐसा नहीं है। शुरू शुरू में जब FM इंडस्ट्री को बूम मिला तो उस वक्त बहुत ज्यादा सकती थी, उसके बाद एक बीच में टाइम पीरियड आया कि बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज आ गई तो काम बिल्कुल ऐसे ही हो गया। ठीक है, उनके हाथ में माचिस आ गई, उन्होंने जंगलों आग लगाना शुरू कर दी। उनसे पहले जो वहाँ पे शो कर रहा था वो आई थिंक सो वन ऑफ द बेस्ट ऑफ पाकिस्तान थे, और बड़े शौक से क्योंकि मेरा तो मेरा रेडियो से वास्ता ही, मेरा रेडियो से वास्ता ही सुबह सुबह पड़ता है, तो मुझे सुबह के सारों का जो है ना पता होता है, मुझे पता होता है ये स्टेशन अच्छे। और एक और गिला जो मुझे आपसे होता है उस वक्त, मेरा दिल करता है लग रहा है इसमें करंट आ जाए, जैसे आप आगे पीछे कर रहे होते हैं ना कि वो अच्छा सा गाना चल रहा होगा, ठीक है, बेहतरीन गाना तो उसको आपकी बातें भी चाहिए और आपके जब गाने का उसका टाइम आएगा ना तो उसको प्रॉपर कोई सॉन्ग चाहिए, ये नहीं कि आप ऊपर कह रहे नीचे कर रहे, ये तो साथ साथ गा रहे होते हैं, इनकी तो अपनी आवाज आ रही होती है, ये तो अपना गाना खुद गा रहे होते हैं। जैसे गाना बेहतरीन चलते हैं थोड़ी आवाज कम करके ना तो साइड पे करो ना, खुद गाना शुरू हो जाता है, उनके अच्छा अब हमारे भट्टी की आवाज। मैं तो दुआएं लेता हूं आतिफ की, फिर अली की, वो दुआएं देते हैं मुझे। और हमारा क्या कसूर? तुम लोगों का उनकी दुआएं हम जो पाकिस्तानी बच्चा काका सुन रहे हो तो चाहिए। ये साथ साथ ये पहले बहुत ज्यादा होता था, मुझे याद है पहले जब एक जमाना था जब टेप रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड करना होता था जो भी रेडियो पे चल रहा है। एथिकली ये रॉन्ग है, गलत, ऑन द सीरियस नोट ये गलत बात है, ब्रॉडकास्टिंग के अगेंस्ट है। लेकिन अब क्योंकि जिस तरह चेंज हुआ है ना ओवरऑल एटमॉस्फेयर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट का और बाकी, ये तो अब ये बस कहते हैं ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ द गेम। अच्छा, एथिकली अगेंस्ट द लॉ ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। इनके बॉसेस को भी बुलाना था ना, ये जो लॉज नहीं चेक करते इनको जरूर बुलाई। छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ, लेकिन ब्रेक आज मैं नहीं लूंगी, ब्रेक पे जाएंगे और आएंगे हम आरजेएस के अंदाज में, तो निगत ब्रेक लीजिए प्लीज। ऑलराइट, लेट्स टेक अ टाइनी मिनट्स कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद हम वापस आते हैं। सो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, कीप ट्यून इन। हमारी बहुत ही प्यारी सी दो बहनें जो हैं यहाँ पर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, देयर ब्रिलियंट सिंगर्स, उनको मैं लाइव भी सुन चुकी हूँ, कॉन्सर्ट में भी सुनी हूँ, टीवी पे भी सुन चुकी हूँ, अपने शो में भी पहले सुन चुकी हूँ, और हर जगह बहुत ही जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, उनकी आवाज़ अच्छी से अच्छी होती जा रही है। पहली जो बहन है जिन्हें मैं इंट्रोड्यूस कराना चाह रही हूँ, शी इज़ अ सिंगर, सॉन्ग राइटर, म्यूजिशियन, और इन्होंने सिर्फ 14 साल की उम्र में अपना करियर जो है स्टार्ट किया, जिसमें बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये जो है डिफरेंट चैनल्स में हमें नज़र आई। उसके बाद उन्होंने पूरी कंट्री में जो है परफॉर्म किया है, बहुत सारे ड्रामाज के OST भी ये गा चुकी हैं, एक हिट डुएट अपनी बहन के साथ इन्होंने रिलीज़ किया और कोक स्टूडियो में भी आपको नज़र आए, और अभी इनका जो सुन आ रहा है OST वो 16 लाख स्टाइल अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी हुआ है एज द बेस्ट सॉन्ग। दामिया फारूक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूं। अच्छा, आई एम जस्ट अ सिंगर, आई एम नॉट द लिरिसिस्ट और द कंपोजर। या पहली हैं आप जो बता रही हैं कि नहीं मैं ये नहीं हूं। कोई बात नहीं, इंट्रोडक्शन में आ गया तो मान लो कुछ नहीं होता। अच्छा, तो ये मुझे पहले बता दे, बहन का भी मेरे पास यही इंट्रोडक्शन है कि शी इज आल्सो सॉन्ग राइटर एंड कंपोजर। या दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, यस। So actually, you, that's the truth. So you compose and write songs and then she sings. Yeah. तो ये अच्छा हमारे पास कॉम्बिनेशन है। इन्होंने पार्ट भी अपना प्ले किया है बहुत सारे हिट सॉन्ग्स जो कि अपनी बहन के साथ उन्होंने गाए, और OSTs भी गा चुकी हैं। परीसा फारूक, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुबह सुबह उठ के गाना हो जाता है? मुश्किल होता है क्योंकि जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो वोकल फ्रेश नहीं आता, स्पेशली रात को अगर आपने कॉन्सर्ट किया हो तो। इट्स रियली टफ, बिल्कुल गला बंद होता है। अभी सिर्फ 3 hours की हम स्लीप लेके आए हैं। ऐसे ही। अच्छा जी, आज के जितने भी हमारे कॉलर्स हैं उनके लिए खुशखबरी है, मेरे लिए भी ये खुशखबरी है, यार कॉल्स जो है वो हमारे RJs अटेंड करेंगे, तो हमारे साथ एक कॉलर है, तो ओवर टू यू गाइस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? मैं वैसा ही हूँ, पहले से ज्यादा सोना लग रहा हूँ, मेकअप अच्छा हुआ है।
پہلے تعارف کروا دیں پھر کرتے ہیں بات. میں ریحانہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. اچھا ہاں ریحانہ اب بولیں اس پہ بات ہی سیریس. دوبارہ کہیں کیا کہا؟ سب سے پہلے تو میں سب کو بہت زیادہ ویلکم کروں گی, بہت اچھا لگ رہا ہے ریڈیو کی ساری ٹیم کو ادھر آ کے دیکھتے ہوئے. اور دوسرا ایک مثال دوں گی کہ آپ نے ایک تیر میں دو شکار کر لی ہیں, ٹی وی پہ ریڈیو کو مکس کر کے رکھ دیا ہے تو بہت اچھا لگ رہا ہے. اللہ جی قسم تالیاں بجاؤ جی, کیا انفارمیشن دی ہے. واہ 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 تھینک یو. ان سے بچی صاحب ان سے بھی کچھ گوائے نا ہمارے کالرز ہیں تو انہیں ذرا یہ گاتی ہیں گائیں گے. چلے آج دو سنگر آئے ہوئے ہیں تو آپ سے پھر سنیں گے کبھی, اور میرا مطلب کچھ سنائے نا. ریحانہ فرمائش آ گئی. اتنے اتنے اچھے اچھے بیٹھے ہوئے تو ان کے آگے میری کیا, یہ تو سورج کو چراغ دکھانے والی بات. نہیں 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 ریحانہ, لیکن پھر بھی ہم آپ کو سننا چاہیں گے. اور یہ وہ چراغ جدھر تیل مکیا ہے. سر میں وہی کہہ سنا رہی تھی جو آج میں نے ان سے فرمائش کرنی تھی. کیا بات. سانو یار مناونا اے, سانو یار مناونا اے, چاہے سر دی بازی لگ جاوے. باجی تسی تون لوا دیو. اتنا ہی اس سے زیادہ اور حوصلہ نہیں ہے ان لوگوں کا. نہیں بالکل جی, اللہ حوصلہ دے گا. مہربانی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں کال کی, تھینک یو ویری مچ. اور انہوں نے فرمائش بھی کر دی ہے تو بیٹی صاحب کیا کہتے ہیں فرمائش؟ میں فرمائش پہ تو حیران ہوں. یہ ابھی نام بھول گیا, فورس دامیا اور دامیا گا رہی تھی, بہت اچھا گا رہی تھی. اور آپ باجی نے گایا کہ میں یار مناونا نہیں نساونا ہے, جس طرح کا وہ گا رہی تھی تو ناسنوں سے جائے گا. ایک اس کو بھی توبہ کر لینی چاہیے, اور ایک جس نے اوریجنل گایا اس کو بھی توبہ کر لینی چاہیے. وہ مجھے ایک اچھا پروڈیوس کرتا ہے, میں گا نہیں سکتا. وہ بھی ہائے اللہ جی, یہ کیا کہہ رہی ہے؟ او مائی گاڈ, دیٹس ویری ڈامیا. کیا کہہ رہی ہے؟ بہت ہی ہارش کمنٹ تھا. کیا سچ ہے؟ آئی تھنک دیٹس ناٹ ٹرو. وہ اپنے کیریئر کو دیکھتے ہوئے بول رہی ہے یہ ٹرو نہیں ہے, یہ ٹرو وہ تو نہیں کریں گے, ان کی فیلڈ ہے نا. اچھا یہ میرے پاس دوسرے مہمان ہیں جن کی یہ تاثر ان کے بارے میں کچھ پرسنل کھارے آپ لوگوں ان سے کیا مسئلہ ہے؟ آپ کا گانا نہیں بنایا انہوں نے. مکے کو جانتے ہیں ہم اور لاہور جاتے رہے ہیں. میرے بہت سارے دوست ہیں, ملکو ہے, گارا ہے, پرانے دوست ہیں ہم. ندیم عباس نے گایا بسم اللہ, اسی نے بنایا. تو میری جان پہچان پرانی ہے, پیار ہے. بگے بھائی کی آواز بہت اچھی ہوگی, لیکن جب بگے بھائی نے یہ والا گایا میں کہا بگے بھائی ہاتھ جوڑ رہا ہوں جی. یہ دیکھیں ذرا یہ کلپ نکال کے مجھے ذرا دینا, میں پرسنل پیج سے اپلوڈ کروں. دے 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 دے. ٹھیک ہے جی. اچھا تو یہ فرمائش آ گئی ہے تو دامیہ کیا کہتے ہیں, پوری کر دیجیے. اوہ یس میں تو ایکسپیکٹ کری تھی. اچھا ریڈیو میں تالیاں تو ہوتی نہیں, تو کیسے واپس آتے ہیں گانے سے ایک دم, تاکہ ٹیمپو نہ ڈراپ ہو پیچھے اپنی جو ہے بیک گراؤنڈ میوزک فیڈ آؤٹ کر کے تو اپنے بیک گراؤنڈ. اچھا آپ کا اپنا اپنا کیا ہے, آپ کا بی جی ایم کہتے ہیں کیا ہے؟ شلالا کے ٹائٹل سے ہے. اچھا سم میوزک سانگ ہے اس میں سے جو ہے اس کا میوزک کا شلالا لا لا وہ والا شلالا کوئی اور ہے. اچھا ہدیہ کیانی کا سانگ ہے. اچھا میرا ایڈورڈ مہا کا. کیا بات ہے, صبح صبح ایڈورڈ مہا ہے جگہ نہیں. میرا ہوتا ہے 1 2 3 1 2 3. اچھا تو پھر تھوڑا دوپہر میں پھر آیا میں, جو ویسے گرمیوں میں سے نیند آ رہی ہوتی ہے. وہ بھی ٹائم ہوتا ہے نا, کیونکہ اس میں بھی چھٹی ہوئی ہوتی ہے, بچوں کی بھی, یہ آفیسز سے بھی آف ہو رہا ہوتا ہے, تو یہ کہ ڈرائیو ہی ہو رہی ہوتی ہے. ڈرائیو ہی ہو رہی ہوتی ہے. اچھا ارجو بھٹی کا تو کچھ اوئے بھٹی بھٹی اوئے پہنچ گیا, وہ کل چلوائیں گے. کیا بات ہے جی, اور آپ کو کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ پہلے ٹینگو ٹو ایوورا تھا. اچھا جی, دیئر بیس میوزک جو انسٹرومنٹ کا, اور اس کے بعد اب جو ہے وہ دیئر از ناٹ اے فیمس سانگ بیسیکلی, لیکن وہ سیلف کریٹڈ جو کمپوزڈ. اچھا اچھا, خود کمپوز کیا ہے. یہ آئیڈینٹی سے بن جاتی ہے نا, آپ فوراً چینج نہیں کر سکتے. کچھ میوزکس تو اس طرح کے ہوتے ہیں جس طرح کبھی کبھی نا, جن کا ہم نے زیادہ سنا نہیں ہوتا, اسپیشلی یہ شام کے بعد یہ تھوڑے رات والے جو میوزک ہوتے ہیں نا, تو خوبصورت سا کوئی پرانا گیت لگا ہوتا ہے ایک دم سے بیچ میں, کوئی سرچ کر کے اس کو لگا کے نا کسر پوری کر رہے ہوتے ہو کہ اب سن لیا, اب کسی طرح اس کو پورا جو ہے ہم نے کرنا ہے. اچھا سب سے زیادہ تنگ کرتے ہیں وہ جو انسٹرومینٹل پلے کیا ہوتا ہے نا, بہت اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے رات. وہ آپ کہتے ہیں یار کون سی غزل ہے, گا نہیں رہی نا, آپ کا گاتی ہیں آپ دا جی آتی نہیں ہے, وہ چلتا رہتا ہے چلتا رہے چلتا رہے. باقی ایسے ہی. اچھا سب سے زیادہ جو ہے سوال میں سوچ سوچ کے پوچھنے پڑ رہے ہیں نا مجھے, ایک دم میں پوچھنے پڑ گئی نہیں یہ بعد میں بریک میں پوچھ رہا ہے, سنتے سے بریک ہو گئی. اچھا آپ لوگوں کے پاس کوئی بفر ہوتا ہے, کالر کال کرے, کوئی عجیب سوال کر دے یا کچھ, کس طرح اس کو ہینڈل کرتے ہیں؟
डिफरेंट इदारे से हैं मैं और ये तो सुन एफएम से हैं, ये एक और इदारे से, तो ये बता सकती हैं फिर मैं बता दूंगा कि हमारे यहाँ नहीं, आप लोग अपने अपना बताएं ना, इदारों का कंपटीशन कहते हैं, मैं बता देता हूँ जो सरकार है उनका और कोशिश होती है कि मैं ऑन ईयर कॉल्स ना लूं, ऑफर भी अगर आप लेना चाहें तो, लेकिन ऑन ईयर कॉल में इसलिए नहीं लेती और ऑफर भी क्योंकि वक्त नहीं, फिर ऑफर तो कॉल्स कम ली जा सकती है, ऑन ईयर कॉल्स ना लेने का मकसद होता है कि लोग ड्राइव कर रहे हैं, सो मैं कभी भी इस चीज को प्रमोट नहीं करूंगी कि आप कॉल करें, सो ये पर्सनल है, आप ले सकते हैं, मैं नहीं लेती हूँ, सो इसलिए मेरा कभी इतना एक्सपीरियंस है। हाँ, लेकिन ईद के जब कंबाइन शोज होते हैं तो उसमें तो फिर हम ऑन ईयर कॉल्स लेते हैं, लोग बड़े अच्छे हैं लिसनर्स, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि ऐसा कुछ पांच सालों में थैंक्स फॉर सुंदर से ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी ने कॉल करके बदतमीजी की, कभी भी नहीं, जबरदस्त। मेरा भी यही है कि मैं लेती तो ऑफ एयर हूँ, लेकिन अगर ऑन एयर भी लूँ तो अगर कोई ऐसा अवल तो कोई ऐसा होता नहीं है, बड़े अच्छे लिसनर्स हैं, तमीज़ से बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, लेकिन अगर कभी कोई ऐसा हो जाता है तो वो ये है कि हम उसको थैंक यू वेरी मच करके टाटा बाय बाय कर देते हैं, ज़्यादा हम हाँ इस तरह उसकी फिर बात को हम छेड़ते नहीं हैं, और उसके बाद हम सीधा अपने बैकग्राउंड म्यूज़िक पर चले जाते हैं, आते हैं तो हम एक नए टॉपिक से आगाज करते हैं, हम ये नहीं कि फिर हम उसी कॉल को ले लेके चले, ऐसा नहीं है। फेसबुक पे कमेंट्स आते हैं, मैसेज भी हमें आ रहे होते हैं, तो वो भी वो वैसे ऐसे होते हैं, लेकिन वो भी यही है कि हम पढ़ते नहीं, हमें थैंक यू सो मच, हाँ, शो में पार्टिसिपेट करने का, शो को अप्रिशिएट करने का। अच्छा, ये मैं बता रहा था कि हमारे यहाँ डिले मशीन एक यूज होती है, जिससे 5 से 7 सेकंड का डिले होता है, जो आपका कंसोल और माइक से आवाज जा रहा है वो जब ऑन एयर जाता है तो 5 से 7 सेकंड के डिले से जाता है, तो बाज़ दफ़ा वो यूज़ किया जाता है। हम अब जब का जहाँ पे काम करें यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, और कभी कभी होता है, जाहिर है, क्योंकि जो मेरा जो शो है वो तो आपका बहुत लाइवली सा फ्रैंक सा शो है, पंजाबी स्ट्राइक इंग्लिश पर, तो लोगों को भी समझ नहीं आती ना कि मजाक मजाक में कुछ भी कह जाते हैं। मेरे मुझे याद आता है मेरे 14-15 सालों में बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है कि लोग सियासी तौर पर खुश नहीं है कि इसने जुमला बोल दिया है, तो दे आर रेडी, लेकिन अल्लाह ने इतना अच्छा दे दिया ना सेंस कि बस ये फेडर जो ही ऊपर होता है ना कॉल करने का, तो उसकी हेलो से मुझे समझ आ जाती है कि इनने केड़ी खिड़की तो की गल करनी, केड़े स्टेशन पे बैठा है, मिजाज समझ आ जाता है, फौरन ही पता चल जाएगा, और कुड़ी होए बंदा होए मेनू पता हो जाएगा, वो हेलो करेगा ना उसकी हेलो में खरख ना तो समझ आ जाएगी कि इन्हें कोई ना कोई, तो मैंने फेडर पे हाथ रख लेता हूँ, फौरन वो ऊपर चला जाता है, यस मुझे पता होता है, और जिधर वो कहना चाहता है ना फलाना ग्रुप जिंदाबाद फलाना, मैं उधर से नीचे नहीं, तो ये तो जबरदस्त, अच्छा ये भी एक स्किल है जो ओवर टाइम डेवलप हो जाती है, आपको समझ, अच्छा लड़कियां भी, आपने कहा लड़कियां भी इस तरह कॉल करके कुछ कह देती हैं, हां प्यार है मिलना जो कर दियो, मैं बिल्कुल उतने नहीं, मैं फेडर और उतने कर दूं, जब प्रपोज वाला काम होता मैं तो कहना बहुत अच्छा खेल खींच के रखोगा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ? अच्छा नहीं, नाउ वी गेट यूज्ड टू इट, इतना अरसा हो गया, और वही जैसे मैं भट्टी की बात से एग्री करूंगी, बहुत सारे ऐसे कॉलर्स होते हैं जब वो हेलो करते हैं ना तो हमें पता चलता है भाई कि अब इसने अगली बात क्या करनी है, अच्छा अल्लाह का शुक्र है अब तक ऐसा कोई खैर एसएच कॉलर आया नहीं, और हमारी जो जनरेशन है जिस टाइप का शो हम कर रहे होते हैं उस टाइम पे जिस स्लॉट में है, तो दे आर वेरी एजुकेटेड, एंड अगर एजुकेटेड नहीं भी हैं तो उनका थोड़ा सा सेंस होता है भाई कि अगर हम कॉल कर रहे हैं तो हमने ये बात नहीं करनी है ये करनी है, तो वो इस तरह से दे गेट यूज्ड टू इट, इंग्लिश टाइप शो अप आई होगा और ये क्रीम ही हो रहा है। अच्छा मैंने अक्सर जो है ना जब आरजे अपने मैसेजेस पढ़ रहे होते तो मैं अक्सर सुनती हूँ कि उसमें लिखा हुआ होता है आप गाने प्ले कर दें आप बातें ज्यादा कर रहे हैं, है ना, इसका एक बहुत मजे का जवाब एक मेरे बहुत फेवरेट आरजे ने दिया था जो मैं ब्रेक के बाद बताऊंगी, ब्रेक रिपेक्का लेंगी। अरे जी इस वक्त हम बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, सो जाना कहीं नहीं, स्टे ट्यून्ड टू मेहकती मॉर्निंग। क्या बात, वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग। अच्छा पता है मुझे आदत नहीं है ना बैठ के शो करने की, वो भी हिलती हुई चेयर पे, इस वक्त इसको घुमाए जा रही हूँ मुझे लगता है कि अपने आखिरी घूमे पे है अगर मेरी अभी तो माफ कीजिएगा, देखिए मुझे आदत नहीं, ये रिकॉर्डेड शो है तो आप बिल्कुल बुरा ना माने, बाद में काट के चला नहीं बल्कि लाइव शो है, ये सब देख रहे हैं गिरते हुए। अच्छा जी
तो अभी हमारी जो अगली एक्टिविटी है उसमें आपको सीटी दी गई है, ठीक है, जरा बजा के दिखाइए सारे, सब सब एक साथ, अच्छी तरह जितना जोर लगा सकते हैं। सबकी सीटियां चल रही हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने, मैं सवाल पूछूंगी, आपने जवाब देना है। कोई अच्छी रिवायत तो नहीं है, अच्छे मल्ले से तो नहीं लग रही। हाय एला मॉर्निंग शोज ने क्या कुछ जो है ना वो नॉर्मल रिवायत बना दी है, मैं आपको क्या ही बताऊं। एला मॉर्निंग शो एला अच्छा, तो अब ऐसा है कि मैं सवाल पूछूंगी, जो सबसे पहले सीटी बजाएगा वो उसका जवाब देगा, ठीक है। एक दो दोबारा सीटियां चेक कीजिएगा, अब पता कैसे चलेगा किसने बजाई, एक जैसी सीटी है। मैं हूं ना, मैं बता दूंगी, ठीक है। मैना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, किसको? मैना को, बताओ तुम लोग, ये अंग्रेजी गाती है, किसने बजाई है? नहीं पता, ये इंग्लिश शो करती है, ये इंग्लिश गाती है, इन दोनों से पूछो। ये देखे ना जरा शो आ रहा है, मैं तो ही पंजाबी में क्या कहते हैं मैना को? लाली। अच्छा जी, मैना का जो ओरिजिन है वो इंडिया है, ठीक है, इंडियन बर्ड है। तो अब मुझे बताएं मैना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंडियन बर्ड। मैना को मैना ही कहते हैं अंग्रेजी में, क्योंकि वहां का ओरिजिन। सही बोला, सिटी में जा रहा है, पहले बोला सिटी में जाएगी, मजे का इसका जवाब है ना। मैंने अब सही जवाब दिया, उसके बाद सिटी का सवाल अब अपने लिए सिटी में जाओ सरताशा। अच्छा जी, सवाल किसने लिखा था? सवाल किसने लिखा था जी? किसने लिखा था सवाल? तारीफ होनी है कि नहीं? जैगम ने, आपने या रेहान ने? हम तीनों की सर्चर भी है इधर, एक वो छुप के खड़ी है। ये सवाल मेरी तरफ से आया था जी, माफ कीजिएगा जरा। अगला सवाल सारा उसका कसूर है, ये खड़े हैं सर्चर का है ना, ठीक है जी। अच्छा, चाबी से चलने वाली तीन चीजों के नाम बताएं जी। खिलौना, चाबी से चलता है, घड़ी और गाड़ी स्टार्ट होती है। बकरी, बकरी। अगले जी, तीन ऐसी चीजों के नाम बताएं जिनमें, तीन ऐसी रेसिपीज के नाम बताएं जिनमें लाल मिर्च ना डलती हो। ये कुड़ियां ही दसनी है, हर स्वीट चीज में। सॉरी, ये घरेलू खबर। तीन तीन नाम बताने हैं चीजों के, लड़कियां नहीं बताएंगी घरेलू खबरें बताएंगी। क्यों भाई, ये क्या बात है, ये क्या बात है, ये क्या बात है? बताओ। लेकिन ये तो कोई भी रेसिपी जिसमें लाल मिर्च ना डले, ये बता, ये हमारी मर्जी, एनी स्वीट डिश उसमें लाल मिर्च नहीं डलती। नहीं, तीन तीन नाम बता दो ना स्वीट डिश के। ट्राइफल, कस्टर्ड, तरंगरेज और चिकन कढ़ाई और कोई भी हलवा, गाजर का हलवा क्या? आई रंग वाले रंग से कोई भी तीन अल्फाज बना के बताइए। आई क्या भाई? रंग रंग है, हां आई रंग कहते थे ना, एन रंग, एन रंग। मैंने पहले भी जाया था, नहीं निगत ने, चल ठीक है आपस की बात। ओह माय गॉड, अभी सोच रहे हैं, एनीथिंग, चलो आप सोच रहे हैं, नाम भी हो सकता है। तीन, हां वाइन से बनवा, नाम नहीं बताना, हां चीजें या थैंक यू, बजाओ सीटियां, बजाओ। नॉट प्रॉपर नाउन, नहीं नाउन, अच्छा नाउन नहीं, प्रॉपर नाउन, नाम नहीं, नाउन हो सकता है। अच्छा आप बता दो, गैरत लव्ज है ना? हां ठीक है, गलबा वाइब, गुरबत, इसको ठीक भी कर रहे हैं, सही भी जा रही है, सही भी जा रही है, अच्छा दूसरी तरफ गलत पता था। आई एम एजुकेटेड पर्सन। अच्छा ये बोल, किसने लिखा था गुंजे बीच में, मेरी हेल्प भी करते हैं ना ये लोग, इन्हें पता है मैं पठान हूं। अच्छा रेनबो के, तो क्या है, तो बड़ा आसान है, रेनबो के तीन कलर्स के नाम बताएं। इतनी माठी सीटियां, सारे रंग एक एक से। अच्छा इस पे जोर लगाना पड़ता है, काफी देर तक बजाओ ना फिर सही लगती है। हां ना, सबसे जोर वाली सीटी पे बजाना बताऊंगी। ले गई है मुझे मारना है, अगर मैंने दिया तो बताएंगे। ऑरेंज, हाँ होता है भाई, या चाय में कौन सी तीन चीजें नहीं डलती? नहीं बजाया, नहीं बजाया, पहले कह रहा हूँ जी रे बेकर, नहीं कौन सी तीन चीजें नहीं डलती?
वो सीधे जाके सवाल पूछ नहीं मैं क्लियर कर रही हूं मैं तो कुछ भी कह दूंगी बताना तुमने क्या सवाल था कौन सी तीन चीजें नहीं डलती नमक मिर्च हल्दी खवातीन के तीन नाम बताएं जो मीम से शुरू होते हो रोंदू बच्चा क्लास का है ना सबसे रोंदू जो होता है चीटिंग करने वाला भी यही है सिर्फ जिसने ना शोर मचाया था मैं कल मैं अपने अब्बू को लेके आऊंगा मेरे पे इल्जाम लगा है मैं अपनी मम्मी को बताऊंगा जा ये वैसे आपको आना चाहिए था खवातीन के नाम जो मीम से स्टार्ट होते हैं तीन मासूमा मोमिना मैमूना क्या बात है जी ये भी आवाज से पता चल जाता है किसका नाम फ्रेंडशिप में लिया गया है ना कौन से कोई से ये सवाल सुने जरा कोई से पानी के तीन जानवरों के कोई से तीन नाम बताए कोई से कुछ भी घोड़ा पानी पानी घोड़ा होता है देखो इंग्लिश वाली ने अच्छा मछली फिश फिश मगरमच्छ एक्सक्यूज मी नाइस सी सी टी सुंदर अच्छा कौन से तीन ऐसी चीजें हैं जो नहीं खा सकते एक कसम से मेरा दिल कर रहा है वो सियासी जवाब दूं लेकिन नहीं मैं सीटी ये पढ़ी जो खा के गुनाह मिलता है यस मैं तो बिल्कुल वो सवाल डिफरेंट होगा सॉरी जो खा के गुनाह होता है आई एम सॉरी कौन सी तीन ऐसी चीजें ये तो बहुत सी चीजें हैं तो तीन नाम बता लो ना बाहर शैंपू सोप पैनल अच्छा हेडफोन्स और ये कप और ये तीन चीजें जिनको हम नहीं खा सकते नहीं खा सकते कप कप मैंने बाकी नहीं पता था बचपन में खेले जाने वाली तीन गेम्स के नाम बताएं इनका हमें नहीं पता होगा जो भट्टी के बचपन की थी आपका बचपन बहुत पुराना है हां मेरा जब मोमबत्ती बनी थी तब का हां एग्जैक्टली बताएं भट्टी बताएं हां पिट्ठू गरम हां बांदर किला होता पंजाब में होता है बांदर किला वो होता था कि एक बाकी सारे जूते निकालने होते थे और जो आखिरी जूता निकालता था उस वो बाकी सारे उसको पढ़ते थे और एक दस्त को हाथ लगाना था जब तक हाथ नहीं लगाओगे पीछे जूते पड़ेंगे बांदर किला आजकल तो हर जगह खेले जा रहे हैं किसे जलसे अच्छा जी तीसरी थी और तीसरी वो डेफिनेटली गुलेल नहीं ये तो गेम तो नहीं ना गेम खेलते थे बांटे गुलेल नहीं गुलेल बांटे एक गेम का मुझे इंतजार है कि वो नाम आ जाए शायद किसी ने खेला पिट्ठू बर्फ पानी नहीं वो लाखों गुलाब छुपा के किश भी और एक और होती थी उसको वो जो में ड्रॉ करके बना दे मैं तो यही करती पता नहीं डाइनिंग टेबल क्या बोलते हो उसे उसके साथ खेल जो राउंड बना के राजा करते थे नहीं मैंने ये जरताशा ये मैंने भी किया था दोनों चेयर्स मेरे ऊपर वो जो एक ड्रॉ करके बनाते थे दोनों चेयर्स क्या कहते हैं वो जो क्या बोल रही थी चीचो वो जो चॉक से या वो जो ड्रॉ करते हैं क्या कहते हैं उर्दू में दस दियो कोई नहीं आपस की गल है पंजाबी में क्या कहते हैं नहीं नहीं बाकी किसी को नहीं पता उसका कुछ कहते हैं उसे अब लोगों ने कभी खेली भी नहीं नहीं खेली नहीं होते ना आज तक नहीं देख ले आज मैं से कभी टीचर ही कहना उसको ठीक है अच्छा जी ऑफिस में रखे जाने वाली तीन चीजों के नाम बताएं जो आपकी टेबल पे होती है इतना जेनेरिक नाम नहीं जी
जो मेरे स्टूडियो में उसका मैं बताती हूँ पैनल डेस्कटॉप नहीं कोई अनोखी चीज हमें बताया नहीं तुम्हें पता पड़ा होगा वहां पे बैग डायरी फोन न्यूज पेपर एक उसका भी बताओ ना वो जो चिबड़ मुआ सा कोऑर्डिनेटर फिर रहा होता है लाइटर और चिंगम या सुपारी कोई ताकि मुंह कड़वा ना हो क्या बात है जी अच्छा ससुराल में कौन कौन तीन लोग लाजमी रिश्तेदार बनते हैं व्हाट तंग करते हैं रिसर्चर ऐसे ही था पहले सीटी पे सारे रिश्तेदार बनते हैं मतलब लाजमी रिश्तेदार कौन से क्या होता है हां सबसे पहले जिस नाल ब्याह करो दी मां वो जबरदस्ती दी मां बन जाएगी पॉइंट पॉइंट उसके बाद ताड़ी साली जिहड़ी उन्हें छुपाई होंगी रिश्ते तो बाद अगे लिया भट्टी को ना थोड़ा सा सीधा करने का टाइम हो गया भट्टी जताशा की बारी है ब्रेक लेने की लेने एक छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी ब्रेक कहीं मजा आएगा मिलते हैं इस ब्रेक के बाद देखते हैं मेहकती मॉर्निंग क्या आप आगे वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग अच्छा मैं ना बड़ी मेरी ये फेवरेट जो है एक एक्टिविटी है जो मैं इस वक्त आप लोगों को मैंने ना अपनी मर्जी से आपकी पर्सनालिटीज के हिसाब से आपसे डम शेड्स गेस करवाने हैं तो एक दूसरे को नहीं दिखाना बिल्कुल भी ठीक है दिखाने नहीं बिल्कुल भी लुक एट हिज फेस क्या कह रहा है ठीक है मैं बता रही हूँ ठीक है अभी खोलने भी नहीं अच्छा जी मैं सारों को बांट साथ हमारे कॉलर भी हैं एक कौन लेगा कॉल सताशा आप लेंगी हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं सुंदर सती बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से आज मैं नहीं आज हम सरताशा बात करेंगी मैंने भट्टी भाई से बात करनी है मैंने भट्टी भाई भट्टी भाई जी मैं सुन रहा हूँ सुंदर क्या हाल है आपके अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक बहुत अच्छा लगा सुपरस्टार को टीवी पे देख के पहले भी देख चुके लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के बहुत ही बेस्ट विशेस आपके लिए और निगत कुरैशी आप की भी बड़ी अच्छी आवाज तो है ही रेडियो पे लेकिन खुद भी बड़ी अच्छी शख्सियत की मालिक बहुत अच्छा लग रहा है देख के और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है बाकी दो आजेस हैं रुबेका एंड दूसरे का मुझे नाम नहीं आता नताशा बड़ा अच्छा जरताशा और सुंदस का जो कि महकती मॉर्निंग बड़ा अच्छा लग रहा है एटीवी पे देख के और जो कि आपके सिंगर हैं दो फीमेल जो कि मुझे उनके नेम तो नहीं आते लेकिन मैंने इनका सॉन्ग सुना फना हूँ अगर वो भी सुना दें तो कौन सा वाला फना हुए और भट्टी भाई के लिए बहुत सी दुआएं बहुत सी अलग भट्टी भाई के लिए एक गाना तो सुनाइए थैंक यू मेरी बहन थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच मुझे आते नहीं है मैं सुन लेती हूँ ना भट्टी भाई के शो में इतने अच्छे थे इब्रार का जैसे हो गए इस्लामाबाद नु आई है आजो जी ने टेक्स बचाना मुझे बड़े फास्ट क्या जीती रहो सुनाता हूँ अभी थैंक यू वेरी मच सो ना सब थैंक यू सो मच सच स्वीट कॉलर्स बाकी पता है मैं जो बात कह रही थी ना सुबह आप कैसे आते हैं इन लोगों के लिए आते हैं हम रोज सुबह है ना अच्छा आप लोगों को मैंने चिट्स दी हैं इसके ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे हैं एक दूसरे से छुपा के ठीक है आप पढ़ लें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से स्टार्ट करें लेकिन भट्टी आपसे स्टार्ट ठीक है एक एक ठीक है तो आपने इशारों में सबको समझाना है उसमें क्या लिखा हुआ है इधर जाके इधर ही ठीक है उधर ही ताकि हम आपको सब सब आपको देख सकें ठीक है आप खड़े हो सकते हैं एक बूझ लेगा तो मैं खड़े हो सकते हैं हाँ सब सब बूझ सकते हैं चले ठीक है अपनी अपनी पर्चियां छुपा ले उसी वक्त दीजिए मेरे सारे जो कलीग्स है गौर करना है बहुत आसान है मेरे पास जो है जरताशा तो देख लिया मुझे जवाब नहीं दिया इतनी खुली चीटिंग जरताशा ये लगा लो नहीं देखा मैंने नहीं देखा अच्छा
दिल 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 बल्ले बल्ले दिल 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 बल्ले बल्ले उसके बोली फिर दिल दिल नचा हथौड़ी बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटी मुझे तो पता है ना मैंने तो लिख के दिया बल्ले बल्ले डांस डांस दिल डांस मारे मेरा तो शुक्र हो गया नहीं नहीं अगला भी करना है अगला भी की दिल टूट गया Yes. दिल टूट गया ये बात मैं तो आपको समझता हूँ ना ये बात बड़ी अच्छे से समझ आई है बहुत जबरदस्त अच्छा परीसा जी थैंक यू इधर दामिया मेरी तरफ देखो ये दामिया चीटर कौन कर रहा है परीसा क्या है अपनी तरफ से बड़े आसान दिए थे हमारा भी तो दिल भंगड़े डाल चलो चलो गौर से देखिएगा मैं मिमिक्री इतनी अच्छी नहीं करती ओके सांप सांप को प्यार किया जा रहा है सांप से डरना ये तो प्यार है तीसरा सांप पटारी पटारी हां 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 अपने मुंह के पास रखो ना नहीं देख रही मैं ये लिखा हुआ है जाट बदमाश तो बाजू उसी के ऊपर होते घबराई नो अगला वाला बता दो अगला कैसे हो जाएगा मुझे पता है क्या थकी हुई नहीं थकी हुई तेरी राज की रोटी खा दी है जा रही हूँ कहीं कुछ कहे थे बता दिए भट्टी भट्टी जाट फिर की है भट्टी क्या कुछ है जरा जल्दी जल्दी बता दे मौका मिला आदमी आदमी समथिंग आदमी मेल दैट्स इट मेल चौधरी समथिंग क्या गलत लिखा होगा इसने यही सुंदर से बैठ के लिखा है ये इतनी बदतमीज है ये आदमी 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 सही है ठीक है नाराज है बुरे मुंह वाला आदमी मुझे तो एक्सपेक्टेशन यही है सुंदर से मुझे नहीं पता आप ये क्या हो रहा है आपको क्या है आप को क्या है मैं मारूंगा इज ही क्यूट और समथिंग क्या है ये आवाज निकालो उसकी मानस वाला आदमी बिल्ली बिल्ली आदमी बिल्ली 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 आदमी बोल लो बिल्ली का आवाज निकालो ना उसकी मेरी तो गम भी नहीं है बिल्ली नहीं उस बिल्ली उसकी बिल्ली है तो आदमी कहां से आ गया आदमी कहां से आया मुझे नहीं पता क्यों भट्टी को ये कहा गया है लेकिन ये कहा अपने करवाया लड़ाका बिल्ली लिखा था मैंने भी ये देखो जरा ये लड़ाका बिल्ली नहीं मैं कहती भट्टी भट्टी के ऊपर ज़ूम किया जैसे ऐसे नहीं ना डर लगता कोई नहीं रे बेटा रे बेटा ओके एनजी बंदे की तनख्वाह मार जे ना ओके मैं भी लिखूंगा संदेश तुम्हारे लिए मैंने नहीं लिखा था भाई मैं लड़ाका बिल्ली लिखा थी मैंने बिल्ली थोड़ी लिखना था रे बेटा फर्स्ट वर्ड ओके खाना पीना मिर्ची आगे भी एक और वर्ड भी है मिर्ची लगना मिर्ची तक तो पहुंच गया अब बच्ची ने देख लिया मैं देख के बता देता हूं मैं देख के बता भी नहीं देखा मेरे पास तो कुछ होना लेकिन सेकंड वर्ड जो साथ है उसको तो हम इनेक्ट नहीं कर सकते ना 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 बताओ जी बताओ कैसे कनेक्ट हो ओके स्पॉट ठीक है मिर्ची मिर्ची
सेकंड वर्ड मिर्च के साथ नेचुरली क्या आता है दिमाग में? पानी नमक मेरा दिमाग थोड़ा डिफरेंट मसाला मसाला मिर्च मसाला मिर्च मसाला दामिया गुड गुड ये दूसरा वाला बहुत मुश्किल है पहले वाला तुम देखना मुझे ठीक है तुम बेसाल होगी मम्मी बहन को बता दे तुम मुर्गी बता मुर्गी मुर्गी हां उसका चेक उतरते नहीं ये तो ये तो था ही नहीं जो एग्जैक्ट वर्ड है वो गेस करा ना बार्बर है ना सैलून है ब्यूटीशियन हेयर स्टाइलिस्ट नहीं मैं बता देता हूँ अपने ऊपर करके दिखाएं वहाँ लड़कियाँ नहीं जाती तो अब लड़का कहाँ से लाऊं जिसकी कटिंग करूँ यही है बस ये एक तो किसी ने बोला था अभी बार्बर नाई की दुकान नाई चलो क्या बात है जी लेकिन नेक्स्ट वाला अच्छा नेक्स्ट वाला क्या था शुक्र जान जूते दोनों का ठीक है ये पार्ट है लिख के दिखा रही है और अगर ऐसे ना हुआ स्टाइल फैशन अदाएं अदाएं लड़की लड़की अदाएं हो गया बोल दो ब्यूटीफुल लड़की क्या खूबसूरत लड़की लड़की ब्यूटीफुल करके अगला मैंने वर्ड के गेस करा दिया ना अगला वर्ड चिट्ठी चिट्ठी लड़की का खत ये एक सेकंड ये भट्टी भट्टी को भट्टी गेस करा देगा बताना नहीं किसी को ठीक है हाँ इसके बाद हम ब्रेक पे जा रहे हैं ठीक है हाँ चियाले जी मेकअप फेशियल समझना नहीं हाँ वो ठीक है लड़की ठीक है तैयार हो रही है नहीं कब गोरी 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 बट्टी ब्रेक के टाइम में ब्रेक लीजिए ओके सो लेडीज एंड जेंटलमैन एक निकी जी ब्रेक छोटी सी ब्रेक ब्रेक के बाद ब्रेक बड़ी दिक्कत की अगर ब्रेक गाड़ी में भी ना हो तो गड्डी सीधी कांधे से जाके बच जाती है तो छोटी सी ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद वापस आएंगे देखते रहिए महकती मॉर्निंग विद भट्टी सुंदस और निगत अगली जो मेरी एक्टिविटी है उसमें जरा मैं देखती हूँ सब में आपस में अंडरस्टैंडिंग कैसी है ठीक है तो एक पेयर ये और एक पेयर ये तो मेरे सामने मुझे पता है मैंने ऐसे ही पेयर अप करना है आप दोनों को मैं साथ पेयर अप करूंगी और मैं होस्टिंग करूंगी तो होगा ये एक तो सबसे पहले ये वाली स्क्रीन अगर किसी तरह ऑफ करा दी जाए जल्दी यहाँ पे सारे चीटर्स बैठे हैं जल्द स्क्रीन में देखो अच्छा देखो अंग्रेजी में कहते हैं लुक हु इज टॉकिंग थैंक यू नवीद भाई अच्छा जी सबसे पहले आ जाएंगे आप यहाँ पे ओके ठीक है तो वैसे कि अब हम पेयर्स में हैं तो बाकी किसी ने नहीं बताना क्योंकि उस टीम को नंबर मिलेंगे तो गेस कराएगी okay, okay. इधर खुद आपने नहीं देखना okay. मैं ही आपको बताती हूं ठीक है
तो आपने इन्हें गैस कराना है कि इस बोर्ड पे क्या बना। हम सब ने ना, सिर्फ आपने उनकी पेयरिंग ही है ना, मैंने पार्टनर है ठीक है, और हर पार्टनर को जो है मतलब हर टीम को नंबर दिए जाए। बहुत अच्छे आप लोगों ने देखने, चीटिंग ना करें। चीटिंग तुमने की है, पहले इतना बुरा बोर्ड रखा हुआ है। अब इसको वैसे लिटरली मुझे भी नहीं आता कि इसको कहते क्या है लिटरली। इसको चेंज कर ले। ना 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 नहीं, मुझे इसको बताना नहीं आता ना कि है कौन सा मकसद। ये चीज जो है ना, इसके कुछ कैरेक्टर, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप में भी पाए जाते हैं। मुझे पता नहीं, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं इस पर। अच्छा वो वो गॉड। अच्छा ये चीटिंग कर रहा है बोल के, मुझे पता है वो हसीन है लेकिन चीटिंग नहीं करानी। यही से बता रहे, यही से बता रहे, इशारों में बोल के क्या एक्ट करे ना, उसका नाम नहीं लेना बाकी बोले इशारे। दैट्स सो इजी देन। जंगल हां, जानवर हां, चालाक। ये क्या बात हुई? अभी देखो कंबाइन करें आप। जंगल हां, जानवर। इज इट अ वर्ड? इसके ऊपर से फेक वर्ड नहीं, देखो तस्वीर है। अच्छा तस्वीर बनी हुई है, ऑलराइट छोड़ दो। अच्छा सुनो, सिर्फ तीन लव सुनो और आप लोग हेल्प करेंगे तो इन्हीं को मिलेंगे नंबर। जानवर ओ नहीं नहीं यार, जंगल हां, चालाक जानवर जंगल। लाइन नहीं, चालाक जानवर, चालाक जानवर, चालाक जानवर वुल्फ। चालाक जानवर कौन सा होता है जंगल में? तो रोडों में खज्जल हो रहा। मुझे क्या पता उस पे वर्ड लिखा हुआ है नहीं। जानवर हाँ, मेरे वाले तो जानवर है ना, बच्चे की प्रॉम में होता है जानवर। बताऊंगी ना कि पिक्चर में क्या जानवर ठीक है, और जंगल बोला, जंगल बोला, जानवर बोला। और इस जानवर की कहावत देख, भी है। स्क्रीन में देख तू। इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इस जानवर पे एक प्रोवर्ब भी है। हाँ ये तो बड़े मुश्किल, अंग्रेजी वाला गैस कर रहा है। दांत भी हैं इसके लंबे लंबे, और इसको जुकाम भी है थोड़ा सा। लंबी सूंड सुनो, लंबी सूंड ऊंट की भी होती है। मारो सर में मारे कुछ। जल्दी जल्दी गैस कराना है ठीक है। हाँ जी चले, चीटर वो इतना सा क्यूट। ये देखे कितनी शक्ल मिल रही है। पानी में होती है, पानी में होती है, व्हाइट कलर की। वो व्हेल मछली जो होती है। अबे नहीं भाई, खूबसूरत होती है, पानी के ऊपर यूं तैर रही होती है। आ वो अच्छा बोट के क्या? अबे नहीं भाई, तैर बता तो दो है क्या? क्या अच्छा नाम ले लूं? नहीं नहीं, मतलब चीज क्या है ये? इंसान है हाँ, ये जानवर है, जानवर है, पानी के ऊपर तैर रहा होगा, पत्ते तो नहीं तैर रहे होंगे। वो बता चलो वही कर लेते हैं, देना माइक।